ये जो बाधा है ना, इसको डिफाइन करने के बाद ही तय किया जा सकता है कि उससे निपटने के लिए किस रणनीति का इस्तेमाल किया जाए। असल में बाधा को ना पहचान पाने या गलत बाधा की पहचान कर लेने से आप गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। इससे आप गलत समस्या को सुलझाने में जुटे रहेंगे। एक कॉर्पोरेट था, वो मेरा क्लाइंट था, क्या है भी, वो घटती बिक्री की समस्या से बड़ा जूझ रहा था। सेल्स बड़ी कम हो रही थी। अब उस कॉर्पोरेशन के लीडर्स इस नतीजे पर पहुंचे कि मेन जो आपकी बाधा है वो सेल्स फोर्स और सेल्स मैनेजमेंट की क्वालिटी है। अब उन्होंने मैनेजमेंट के जो लोग थे, सेल्स के लोग थे, उनको दोबारा से चूज करने के लिए बड़ा सारा पैसा खर्च कर दिया जी। अब बाद में उन्हें पता लगा कि जो उनके सेल्स की स्पीड जो स्लो थी, उसका मेन रीजन था एक अकाउंटेंट की गलती, जिसने गलती से प्रोडक्ट्स की कीमत जो थी वो कंपटीशन की तुलना में बहुत ज्यादा रख दी थी। और एक बार जब कॉर्पोरेशन ने अपनी कीमतें सुधार ली तो उसकी बिक्री दोबारा बढ़ गई और वो मुनाफे में लौट आया। अब हर बाधा या चौक पॉइंट के पीछे जब आप इसे सफलतापूर्वक पहचान और हटा लेंगे, आप एक और बाधा या सीमित करने वाला घटक पाएंगे। फिर भले ही आप सुबह समय पर ऑफिस पहुंचने की कोशिश कर रहे हो या सफल करियर बनाने में लगे हो, सीमित करने वाले घटक और बाधाएं हमेशा होंगी जो आपकी प्रगति की रफ्तार को तय करती है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें फाइंड आउट करें और जल्दी से जल्दी हटाने के लिए अपनी एनर्जी को फोकस्ड कर लें। अगर आप दिन की शुरुआत किसी मेन बाधा को हटाने से करते हैं तो आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे, तब आप काम में जुटने और उसे पूरा करने के लिए प्रेरित होंगे। देखिए, हमेशा कोई ना कोई बाधा जरूर होती है, ये आपको पता ही है। और अगर बाधा होती है, और अक्सर किसी बाधा या सीमित करने वाले घटक को हटाना ही वो इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे आप उस पल कर सकते हैं। और सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, मैं हमेशा कहता हूं, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करो। आज ही लाइफ में अपने सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट का पता लगाएं। वो क्या है, वो कौन सा टारगेट है जिसे हासिल करने से आपकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा सकारात्मक असर पड़ेगा। करियर में किस तरह की एक उपलब्धि का आपके कार्य जीवन पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव असर होगा। उस एक बाहरी या अंदरूनी बाधा का पता लगाएं जनाब, जो उस टारगेट को हासिल करने की स्पीड को तय करती है। पूछें कि मैं अब तक वहां क्यों नहीं पहुंच पाया, मेरे अंदर ऐसा क्या है जिसने मुझे पीछे रोक रखा है। जवाब जो भी हो, फौरन काम में जुट जाएं, कुछ भी करें, कुछ भी करें, लेकिन बस शुरू कर दें।